सो गाइस, जैसा कि हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया कि बिग बॉस ने कैप्टनसी की दावेदारी हासिल करने के लिए घर के अंदर एक टास्क रखा था और इसी टास्क के सेकंड राउंड में एक और बार फिर से निकिता की मनमानी देखने को मिली, जहां पर राउंड शुरू होने से पहले ही निकिता ने अपोजिट टीम के बैग्स को चुराने की कोशिश करी। बैग्स चुराकर अपोजिट टीम के बोट में जाके बैठ गई और वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद फिर आर्या निकी को बाहर खींचती है और लिटरली आर्या और निकी के बीच में हाथापाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को जम के मारने लग जाते हैं। जैसे तैसे इन दोनों की फाइट खत्म होती है तो एक और झगड़ा हो जाता है वैभव और निखिल का, जिसमें वैभव निखिल के ऊपर काफी गर्म हो जाते हैं। गाइस, इस टास्क के सेकंड राउंड में तो कंटेस्टेंट ना लड़का देख रहे थे ना लड़की, बस सबके ऊपर छड़े ही जा रहे थे और कैसे भी करके बॉल्स को कलेक्ट करना चाहते थे। और फिर कुछ समय के बाद ये राउंड खत्म हो जाता है। वर्षा उसगांवकर ये बात जाहिर करती है कि टीम ए के पास 16 बैग्स हैं तो टीम बी के पास 10 बैग्स थे, जिसके बाद फिर टीम बी से तीन और कंटेस्टेंट बाहर हो जाते हैं। और फिर बिग बॉस कहते हैं कि अब थर्ड राउंड खेलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टीम बी के पास सिर्फ दो ही कंटेस्टेंट बचे हैं और दो कंटेस्टेंट से ये टास्क नहीं खेला जा सकता, जिसके बाद टीम ए ये टास्क को जीत जाती है और उसके सातों कंटेस्टेंट अब कैप्टनसी की रेस में दौड़ेंगे। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि कौन होगा घर का नया कैप्टन, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।